अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एबीपी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े अलमास होटल के करीब रहने वाली हाजिरा नामी 8 माह की दुल्हन ने कल अपने ससुराल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिस पर आज मरहूम हाजिरा की वालदा ने मीडिया से बात करते हुए जज्बाती बयान दिया और कई खुलासे किए। आइए देखते हैं एबीपी न्यूज़ की ये खसूसी रिपोर्ट। हर खबर से बाखबर रहने के लिए एबीपी न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मेरी बच्ची को इंसाफ होना, मेरी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ। बच्ची फांसी डाली बोले, बच्ची फांसी नहीं डाली। पूरे आज तक पिन करने के, गुस्सल देने के, ऐसे देखे तो पूरे निशान है बच्ची की बॉडी पे। और पुलिस वाले भी बच्चे वालों का साथ दे रहे, हम लोग का साथ नहीं दे रहे। पुलिस वाले हम लोग पुलिस वाले भी हम लोगों को जाओ जाओ बाहर निकलो बोल के ढकल दिए। हम लोग को इंसाफ होना, हम लोग को इंसाफ होना, बस इंसाफ हो। रात में बच्ची 1 बजे ले ली, कहते 12-1 बजे कब ले ली कि नहीं मालूम। लोगों को पुलिस 11 बजे आ गई, पुलिस 11 बजे आई, 1:45 को हम लोग को फ़ोन करके बोले कि बच्ची खाली फांसी ली बोले कि हाँ। वह पूछे तभी कुछ नहीं बोल रहे, खाली फांसी ली, आओ जल्दी, फ़ोन कट कर दिए। हम आए तक पुलिस वाले तैयार है, पूरे औरतें अंदर कमरे में बने हैं, मीडिया भी है, सब है, मगर हम लोगों को 1:45 को बोले मेरे को इंसाफ होना, मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना, बहुत गलत करे मेरी बच्ची का। मेरी बच्ची का नाम हाजिरा है, हाजिरा बेगम है, बाहर रहते थे। उन्होंने भी बहुत परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, बोलती बच्ची थी माँ से टॉर्चर करते, बोलती थी, बात भी करने नहीं दिए बच्ची को मेरी। यहाँ क्या प्रॉब्लम थी, बोलती नहीं थी बच्ची। सिर्फ 1-1.5 महीना पहले मेरे को बोली, मम्मी मैं घर को नहीं जाती वहाँ पर, तो कहीं को नहीं जाती बेटे, जाओ मैं वहाँ सेफ नहीं हूँ बोली बच्ची। बस मेरे को इतना खतरा दिखाता हूँ, बस सेफ नहीं हूँ बोली बच्ची। निशाना है मेरे को, इंसाफ होना, दांतों के भी आज उन लोग पुलिस कौन लिए, मीडिया वाले फोटो लिए, तो पुलिस वाले लिए तो फोटो, दांतों के भी निशान, दांतों के निशाना भी दिखे। अब हम लोग पूरे बहस करें और वो मीडिया वाले बहस करे तो पुलिस वालों के कस्टमर को भेजा है हम लोगों के साथ। मेरे को इंसाफ होना, मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना। 7 महीने हो रहा था, नवंबर में हुई बच्ची की शादी मेरे। मेरे को इंसाफ होना, मेरी बच्ची को इंसाफ होना, आप लोग सपोर्ट करना मेरी बच्ची को। आपकी बेटी का भी बोले थे उनके जेठ से, देवर से, किसी से कुछ तकलीफ नहीं, सेफ नहीं है, नहीं बस सेफ नहीं है बोले। उनके शौहर को अंदाजा था, उसने पूरे जगह जगह कैमरे लगा दिए थे। अब कल गए तो कैमरे, एक कैमरा नहीं था, ऊपर के कैमरे निकाल दिए, नीचे का हम लोगों को आने नहीं दिए, ऊपर के तो कैमरे निकाल दिए। वो एक कैमरे ढूंढो, क्या करते करो, मगर मेरे को इंसाफ होना बस। होने के बाद आपके दामाद से बात भी आपकी, गाली गलौज करे, गाली गलौज करे, फोन करे तो मेरी बड़ी बच्ची फोन करे तो उसको गाली गलौज कर रही, इतनी गलीस गलीस अल्फाज हमें बोल रही, गंदे अल्फाज यूज कर रहे हैं लोग। असलम है उसका नाम, असलम, असलम है उसका नाम, असलम। आप लोग मेरे साथ इंसाफ करो, आप मेरे साथ इंसाफ करो, बस आप लोग इंसाफ होना, मेरे मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना। पुलिस वाले हमारी बात इतने सुन रहे, पुलिस वाले भी। मैं हाजरा में, हाजरा बच्ची की खाला हूँ मैं। पुलिस वाले हमारे को कल से बात इज नहीं कर रही, अब बोल रही पुलिस में हम लोग आके पूछे 11 बजे आप लोग आए, 2 बजे तक हम आपको इतला नहीं दिए, बताओ बोल रही पुलिस में से, पीएस से बाहर निकल, पीएस से बाहर निकल, तो तुम तनख्वाह कहीं को ले रही, तुम तनख्वाह लेने को पीएस में है कि हमारे वास्ते पीएस में है, बोलो। पुलिस वाले पूरे भाग गए, अब पुलिस नाके में से भाग गए पूरे, अब एक भी नहीं है। सर्कल साहब भी चले गए, सब जने चले गए। सर्कल साहब से बात कर तो 15 दिन का इंतजार करना, कहते हमला 15 दिन तक वो लोगों को आज़ाद कैसा फिरने देना। हमारे को इंसाफ होना, हमारी बच्ची को इंसाफ होना, हमारी मासूम बच्ची को इंसाफ होना। 21 साल की बच्ची थी हमारी, अब उनके फैमिली वाले कुछ गलत काम करे बच्ची से, बच्ची से जो उसके आदमी को भी यकीन था, भरोसा था, जो इसकी वजह से रूम में कैमरा लगाए। और बस्ती वाले बोल रही उस दिन रात में भी आपस में लड़ लिए ये लोग, और मौता के बाद भी आपस में लड़ लिए बोल रही बस्ती वाले। बच्ची 12-1 बजे फांसी ली, और फांसी लिए बोल रही, मगर दिए भी है फांसी, दिए भी है। अंदाजा कैसे लगा रहे हैं, वो हालात ऐसे थे के बच्ची की फांसी नहीं होती, वो पैरा गद्दे पे है, गद्दे पे थे, और दरवाजा टूटे हुए थे, निशान वगैरह है, पूरी बॉडी पे निशान है, दांतों के निशान है, लकीरों के, नाखूनों के निशान है, पूरी बॉडी, दरवाजा भी टूटे हुए, दरवाजा। पुलिस वाले बॉडी हैंडओवर करे जी, हमको देखने नहीं दिए, हमको देखने नहीं दिए, ऑटो में डाल के भगा दिए, जल्दी भागो बोल के भगा दिए।
बच्ची के दो हाथा मुठिया बंद है, जबान पलटा के ऐसा बच्ची बचाने की कोशिश करती ना अपने आप को। बच्ची का कंडीशन वैसा था, आज उसूल देखे होगा ऐसा पूरे निशाना देखे, दांतों के निशाना देखे, नाखूनों के, और पुलिस वाले मैडम भी देखे, सफिया माही मैडम भी देखे, फोटो भी लिए। अब सफिया माही मैडम आने से हमारे को थोड़ी मदद मिली, अब हमारे को इंसाफ होना, बस हमारी बच्ची को इंसाफ होना, हमारी बच्ची को इंसाफ होना, हम आपको हाँ कंप्लेंट लिखा है, कंप्लेंट कॉलेज लिखाए थे हम लोग, बॉडी को नहीं देखे थे, कुछ एक्नॉलेजमेंट एफआईआर वगैरह दिया आपको? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिए, पेपर नहीं दिए, कुछ पेपर भी नहीं दिए, और देना देते भी नहीं बोल रहे हैं लोग, जो जो 15 दिन इंतजार करो बोल रहे हैं। गुस्सल मालूम होते हम लोग आए यहाँ पर पुलिस स्टेशन को, गुस्सल मालूम होते कि गुस्सल पे देखते कि गुसल देते वक्त निशाना देके पुलिस स्टेशन को आए हम लोग, तो वो लेडीज पुलिस को दिया बोलता भी नहीं दे रहे बोले, वो खबरस्तान पे रुका के हम लोग मोहता को आए, हम लोग खबरस्तान में मोहता को रुका के आए, लेडीज पुलिस को दिया बोलता भी नहीं देते, बोलते सफिया माई मैडम बोलने से वो लेडीज पुलिस को दिया ना, तो लेडीज पुलिस को भी नहीं दे रहे थे हमारे साथ। अब मैं सोशल वर्कर सफिया माई नारी निकेतन एसोसिएशन प्रेसिडेंट, कल हमारे को एट्टापल्ली फलकनुमा पीएस लिमिट से कॉल आया कि उनकी बच्ची खुदकुशी कर ली, जाने के बाद देखे तो ये लोग को फेस भी देखने नहीं दिए, इन लोग आने से पहले ही डेड बॉडी मार्चुरी को पहुंचा दिए, और आज ये लोग को बॉडी हैंडओवर करे, ये लोग गुस्ल देने के वक्त वो बच्ची के जिस्म पे जो जोर ज़बरदस्ती के निशाना थे, तो ये लोग खबरस्तान में प्रोसेस रुका के यहाँ पर पीएस को आए तो हमको फ़ोन करे, हम आने के बाद या पीएस में बात करके यहाँ के लेडी कांस्टेबल को और हेड कांस्टेबल को दोनों को साथ लेके जाके हम लोग खबरस्तान में देखे उनके जिस्म पे ज़ोर ज़बरदस्ती के निशाना थे, तो हम तेलंगाना पुलिस से गुजारिश कर रहे कि ये चीज़ के ख़िलाफ़ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अल्लाह हाफ़िज़।